हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी बजे दोपहर के 3:30 और मेरी बहुत दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब से मांडवी से आई हूँ तब से थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब ही है। आज थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर से चक्कर आने लगते हो, फिर से सो जाती हूँ। इसीलिए वीडियो भी व्लॉगिंग के नहीं आ रहे। मेरे पास पड़े हुए थे जब हम गए थे द्रगुड़ी, उसके वीडियोस पड़े हुए थे मेरे पास, उसी के मैंने डाल दिए। लेकिन आज थोड़ा सा हिम्मत करके उठी हूँ कि चलो आज व्लॉगिंग करते हैं, वरना नहीं चलेगा। ऐसे थोड़ा सा काम करती हूँ, ऐसा मन होता है कि सारा काम पड़ा हुआ है तो चलो जल्दी जल्दी कर देते, लेकिन थोड़ा सा काम करने के बाद क्या होता है पता है, चक्कर आने लगते हैं और ऐसे सर घूमने लगता है। तो मम्मी पापा गए हुए हैं असमिया, असमिया गए हुए हैं और आद्या अभी सो रही है और खेत में कोई आया है, मैं देख के आती हूँ, शायद घास निकालने के लिए ही आए। खाई जैसे गए गए नली ना टूटी जाए, नली ना टूटी जाए। घास निकालने ही आए और पीछे देखिए आप मौसम कैसे आज हो रखा है, जैसे पूरे में धूल धूल उड़ रही है ना, वैसा मौसम हो रखा है। जैसे धूल नहीं उड़ रही है, उड़ रही होगी तो पता नहीं, हवा बहुत ज्यादा चल रही है। मुझे लगा बारिश की बूंद गिरी, मौसम का कोई भरोसा नहीं है अभी। ये बेर इतने सारे मुझे नीचे से ही मिल गए, मैंने तोड़े नहीं है, नीचे पड़े हुए मिले थे, 4-5 महीने खा लिए। अरे चलो भी करते थोड़ा सा काम, पहले पीते चाय, चाय पियेंगे पहले, उसके बाद हम मुझे घी भी बनाना है। पहले मैं सोच रही थी चूल्हे पे बना दूँ, घी बैठे बैठे हो जाएगा, यहाँ पे गैस पे क्या खड़े खड़े बनाना पड़ता है। लेकिन आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो उसको देखिए ऊपर से, चूल्हा मैंने जला लिया है। थोड़ी सी हवा कम लगे इसके लिए यहाँ पे मैंने खाटला रख दिया है। ये देखिए कितना उबल रहा है, लेकिन नीचे मैंने आग कम कर दी है, सिर्फ ये कोयले में ही अभी उबल रहा है। जितना ये धीमी आंच पे उबलेगा घी उतना अच्छा बनेगा और उसकी छांस भी सारी जल जाएगी। ऐसे धीरे धीरे उबलते सिर्फ इसकी छांस ही जल के बैठेगी नीचे और ये ऊपर भी नहीं आएगा, और ऐसे छांस इसकी जलती रहेगी और घी हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही धीमी गैस पे होने देते हैं, तब तक ये देखिए फ्रेंड्स, छास पूरी हमारी जल चुकी है। थोड़ी सी
अभी थोड़ा सा इस पे उबलेगा, देखिए अब कलर भी इसका चेंज हो गया है। ये देखिए छाछ पूरी की पूरी नीचे बैठ गई है। और ये चूल्हे पे बने की घी की खुशबू इतनी प्यारी अच्छी आ रही है, क्या बताऊं आपको। गैस पे भी आती है खुशबू, घी की तो घी की तो खुशबू आती है, लेकिन ये जो चूल्हे पे घी बन रहा है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या बताऊं आपको। देखिए इसमें ना कोई हल्दी है ना कोई कुछ भी केमिकल वेमिकल कुछ भी नहीं है, ये नेचुरल घी का कलर ही है येलो। अभी इसे हम उतार लेंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये ब्लैक हो जाएगा। इसमें से मैंने आग हटा दी है, फिर भी कैसे उबल रहा है देखिए आप। ये घी हमारा रेडी हो गया है, अभी थोड़ी देर ऐसे ही उबलेगा। बहुत ज्यादा है आज। हमारी मीरा आ गई, आपको दिखाती हूँ। आए मीरू, आए मीरू। चू कायली माटी की चू कायली क्यों कह रही। ऐसे बोल रही है, ऐसे मुझे सहलाओ, देखना आएगी अभी पास में। देखा मेरी बच्ची आ गई, आ गई मेरी बच्ची। मम्मी चूड़ी चुभोन खाना लियो तू। देखा मीरा ने काजल लगाया है, मेरी मीरा ने काजल लगाया है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। तो चलो इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, करते हैं काउ मिल्किंग। मैं दिख ला मोलू थालू जमानु बनाऊ है। तो चलो कर लेते हैं मीरा का खाना रेडी, उसके बाद करते हैं उसका दूध निकालते हैं। ये हमारी एक ही गाय है, हमने सिर्फ घर के लिए ही रखी है, घर के खाने पीने के लिए ही रखी है।
देखो आज इसने बहुत नाटक की है दूध देने में, पूरा यहाँ पे दूध गिरा दिया और इतना सा दिया है, इससे ज्यादा तो गिरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी तकलीफ है। उसको चौथा या पांचवा महीना चल रहा है अभी, तो अभी थोड़े दिनों से ऐसा कर रही है, लेकिन देखिए फिर भी हमारे बच्चों को उसने बिना दूध के नहीं रखा, इतना सा दे दिया, ये चाय में और बच्चों को दूध में हो जाएगा, तो दिल से धन्यवाद उसका भी कि इसकी इतनी तकलीफ है फिर भी हमें दूध दे रही है।